नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एडुलेन के एप्लीकेशन पर एक बार कंफर्म कीजिए, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच पा रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? एक बार कंफर्म कीजिए, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल। चलिए, कौटिल्य के जो पेपर टू हमने स्टार्ट कर दिया और पेपर टू की जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, पेपर टू को हम यूनिट वाइज नहीं पढ़ेंगे, इसको हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। टॉपिक वाइज मैं आपको बताऊं, लगभग लगभग तकरीबन 70 to 80 टॉपिक हैं, लगभग 70 से 80 टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, लगभग 70 से 80 को टॉपिक 80 टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। ये यूनिट वाइज नहीं पढ़ा जाता है, जैसे आपका पेपर वन यूनिट वाइज पढ़ा जाता है, ये यूनिट वाइज नहीं पढ़ा जाएगा। तो आज हम बात करेंगे, जैसे यूनिट वन में एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसमें हमने कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कौटिल्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी। कौटिल्य ने एक किताब लिखी दैट इज अर्थशास्त्र, तो उसके अंदर क्या क्या बताया गया है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वो जो अर्थशास्त्र किताब लिखी है कौटिल्य ने, वो डिस्क्रिप्टिव भी है, प्रिस्क्रिप्टिव भी है और कंपेरिजन भी करती है। ये इस तरीके की किताब है। ठीक है, ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, कल हमने क्लास की थी। आज हम बात करेंगे मंडला थ्योरी की। मंडला थ्योरी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनता है मंडला थ्योरी से। घुमा के बनाएगा क्वेश्चन, सीधा तो मैं बता ही नहीं सकता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन मंडला थ्योरी को समझना जरूरी है आपको। ठीक है, मंडला थ्योरी इज जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है उससे संबंधित है। और इंटरनेशनल रिलेशनशिप आप देख ही रहे हैं किस तरीके से भारत ने, भारत का वजूद तो बढ़ा है, इसमें तो दो राय नहीं है। रशिया और यूक्रेन के वॉर में भारत ने कुछ अच्छा तो किया है फॉरेन रिलेशनशिप में। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप के अगर मैं ध्यान में रख के बात करूं तो मंडला थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो वही, ये आपका सिलेबस है जो हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो इसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है, लेगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल इन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडियनाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विस, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये आपका सिलेबस है। हो सकता है मैं ये दो टॉपिक पढ़ाऊँ, हो सकता है तीन भी पढ़ाऊँ, उसके बाद मैं कोई दूसरे टॉपिक पर चला जाऊँ, तो शोर शराबा ना करें, हाई उल्ला ना करें, क्योंकि मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका मैं शुरू से बताता हूँ लोगों से अलग है। अगर आप आपने इन टॉपिक को किया तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको 300+ आपके मार्क्स आ सकते हैं, और आए भी हैं मेरे स्टूडेंट्स की, ऐसी बात नहीं है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, एक बार लास्ट क्लास का ही देख लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि कौटिल्य कौन है। ठीक, तो ये प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे या चीफ एडवाइजर थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। इन्होंने 200 बीसी से 300 बीसी के बीच के टाइम में, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते आप, इस बीच में इन्होंने एक पुस्तक लिखी दैट इज अर्थशास्त्र। ये जो अर्थशास्त्र किताब है ये डिस्क्रिप्टिव भी है, प्रिस्क्रिप्टिव भी है और कंपैरेटिव भी है। यानी कि इसके अंदर बताया गया कि राजा कौन होता है, सबके बारे में, राजा कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन है, पुरोहित कौन होता है, सबको डिस्क्राइब किया है, सबके बारे में बताया है। फिर उन्होंने कुछ नियम दिए कि राजा के लिए क्या नियम होने चाहिए, एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी के लिए क्या नियम होने चाहिए। ठीक है, इंटरनल सिचुएशन आपको अगर मेंटेन करनी है तो उसके लिए राजा को क्या करना चाहिए, तो इन्होंने कुछ प्रिस्क्राइब भी किया है राजा को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। ठीक है, यानी कि वेलफेयर स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट और एक राजतंत्र के लिए क्या चीज़ें सही हैं वो इन्होंने प्रिस्क्राइब किया है, और इन्होंने कंपैरिजन किया है दूसरे देशों के सिस्टम को अपने देश से। ये इस तरह की किताब है। ठीक, ये हम लास्ट क्लास में मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। ठीक है, ये क्या थे? तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे, केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। दुनिया में इनसे शानदार स्लो पॉइजन कोई नहीं बना सकता था। स्लो विश मतलब कहते हैं ना, धीमा जहर, इनसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं बना सकता था। ये अकेले वो इंसान थे जिन्हें सिकंदर को ब्यास नदी कूदने नहीं दी थी, अकेले सिकंदर को ब्यास नदी नहीं कूदने दी थी। चलिए, तो ये खैर हिस्ट्री का पार्ट है, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे मंडला थ्योरी की। मंडला, मंडल, देखिए ये मंडल जो शब्द आया दैट्स कम फ्रॉम गीता, वहां से आया। मंडल का मतलब होता है चक्र, श्री कृष्ण के पीछे चक्र घूमता है ना ऐसे, तो कैसे जो गोड है उनके पीछे मंडल चक्र रहता है, तो ये शब्द वहां से लिया गया है। तो मंडल का मतलब चक्र, अगर मैं साधारण भाषा में कहूं, इंग्लिश में लिखूं तो सर्किल,
मंडला का मतलब है, मंडल का मतलब हो गया सर्किल, यानी कि चक्र। ठीक है दोस्तों, यहां पे जो कौटिल्य है वो अर्थशास्त्र में एक बात बताता है, इसका मतलब बताता है मंडला थ्योरी का। मंडला थ्योरी को कौटिल्य कहते हैं कि जो राजा है ना, राजा जिस राज्य पे राज करता है वो राज्य कुछ दुश्मनों से घिरा होता है और कुछ दोस्तों से घिरा होता है। ये दुश्मनों से घिरा हुआ होना के लिए जो थ्योरी दी है कौटिल्य ने, दैट इज कॉल्ड मंडला थ्योरी, सर्किल थ्योरी, चक्र थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको? मंडला थ्योरी, सर्किल थ्योरी एंड चक्र थ्योरी। दोबारा बोल रहा हूं, क्या कहा कौटिल्य ने? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा कि जो राजा है वो घिरा हुआ होता है कुछ दोस्तों से और कुछ दुश्मनों से। इस मंडला थ्योरी के अंदर एक शानदार बात मुझे वही याद रहता है कि कैसे उसे सॉफ्टवेयर से, मंडला थ्योरी के अंदर एक बड़ी शानदार बात कही है इसने कौटिल्य ने। कौटिल्य ने कहा कि जो राजा है ना, जो राजा है जिस देश पे वो राज कर रहा है, उस देश की जो बाउंड्री होगी, उस देश की जो बाउंड्री होगी जो दूसरे देश से कनेक्ट होगी, वो उसका नेचुरल एनिमी होगा। मतलब यहां पे कौटिल्य कहता है कि दो देश जिनकी बाउंड्री एक दूसरे से शेयर होती है वो नेचुरल एनिमी होते हैं। वो प्राकृतिक रूप से दुश्मन होते हैं, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। ये किसने कहा है? ये कहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर, जो कौटिल्य ने मंडला थ्योरी दी है। तो मंडला थ्योरी में क्या कहा है कौटिल्य ने? मंडला थ्योरी के अंदर कौटिल्य ने कहा कि जो राजा है जो किसी राज्य पे राज करता है उसके चारों ओर कुछ दुश्मन देश भी हैं और कुछ दोस्त देश भी हैं। ठीक। और मंडला थ्योरी के अंदर कौटिल्य कहते हैं कि जो दो 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 देश हैं जिनकी बाउंड्री एक दूसरे से शेयर होती हैं वो नेचुरली एनिमी होते हैं, यानी कि वो ऊपर से ही वो हमेशा क्या रहेंगे? दुश्मन रहेंगे। ऐसा कहा है किसने? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के अंदर कहा है। ठीक है दोस्तों, एक मिनट ऊपर करना, चेक एंड बैलेंस कौन बोल रहा है? सुनीता बोल रही है, चेक एंड बता देते हैं। ठीक है, चेक एंड बैलेंस बता देंगे। क्लियर हुआ? तो दो जो जिन देशों की बाउंड्री आपस में शेयर हो रही होगी वो हमेशा क्या होते हैं दोस्तों? दुश्मन होते हैं। अब यहां पे देख रहे हैं आप, एक सर्किल बन रहा है। तो देखिए, सपोज कीजिए ये एक राजा है, ये एक राजा है और ये इसकी कंट्री है। ठीक है, ये इसकी कंट्री है। तो ये राजा है ना, जो ये राजा है कुछ लोगों से घिरा हुआ होगा, कुछ लोगों से घिरा होगा। किस किस से घिरा होता है? एक होता है अरी, ARI, अरी। अरी का मतलब होता है दुश्मन। क्या होता है? एनिमी। यानी कि राजा जिस देश पे राज कर रहा है, यानी वो देश घिरा हुआ है किन किन से? दुश्मनों से, यानी अरी। अरी का मतलब होता है एनिमी। मित्र, यानी कि मित्रा, फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों से भी घिरा हुआ होता है राजा। ठीक है, यानी कि एक राजा जो इस देश पे, एक देश पे राज कर रहा है, उस देश के चारों ओर कुछ दुश्मन देश भी होंगे, कुछ मित्र देश भी होंगे, कुछ कैसे देश होंगे? मध्यमा, इसको बोलते हैं मीडिएटर। मध्यमा यानी मीडिएटर। ये जो मध्यमा होते हैं, लिख दूं मैं एक बार आपको, ताकि मध्यमा, मीडिएटर यानी बीच वाले, ये किसी के ना दोस्त होते ना किसी के दुश्मन होते, ये अपना फायदा देखते हैं, ये अपना फायदा देखते हैं। जो जीत रहा है उसके साइड जाते हैं, जो हार रहा है उससे दूरी बना लेते हैं। एक जो राजा को घेर के रखता है, एक होता है उदासीन, इसको बोलते हैं न्यूट्रल, इसको किसी से कोई मतलब नहीं होता। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे भारत है, भारत पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है,
वो एक तरीके से राजा है किसके, भारत के, राइट। तो भारत घिरा हुआ है कुछ दोस्तों से, कुछ दुश्मनों से यानी मित्रों से, कुछ मध्यमा से और कुछ न्यूट्रल यानी उदासीनों से। देख रहे भारत का दुश्मन कौन है, कौन है? चाइना, पाकिस्तान। मित्र देश कौन है? नेपाल, ठीक है। और मध्यमा यानी कि जो मौके की तलाश में रहता है, किधर भी हो सकता है, जैसे आपका बांग्लादेश, जैसे आपका बांग्लादेश, कनेक्शन चेक करो एक बार। ठीक है, ठीक। तो क्या होता है, एक होता मध्यमा, जैसे उदासी मध्यमा, ये किसी की साइड नहीं होता। इसने देखा जो श्रीलंका है, श्रीलंका की जो स्थिति हुई है आज, जो उनकी इकोनॉमी की, इकोनॉमिक का जो इतना बुरा हाल हुआ इकोनॉमी का, वो रीजन क्या है, क्योंकि जो उनकी जीडीपी है उस जीडीपी का लगभग 99% उन्होंने उधार ले लिया। भारत का भी यही हाल है दोस्तों, भारत ने अपनी जीडीपी का 80% उधार लिया हुआ है। उधार लेना बुरा नहीं होता है, क्योंकि आप पैसा उधार लेके डेवलपमेंट के काम करो तो चलेगा। उन्होंने पैसा उधार लिया और वहां कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसलिए श्रीलंका की सिचुएशन ऐसी है। तो श्रीलंका क्या हो गया, मध्यम में आ गया। श्रीलंका को फायदा अगर किससे हुआ, चाइना से, तो चाइना की साइड चल दिया। अभी उन पे जूतम पे जार हो रहा है, मारकूट हो रही है, हाय हुल्ला हो रहा है, तो भारत की साइड आ लिया। सनत जयसूर्य भी कह रहे हैं कि भारत बड़ा अच्छा मुल्क है, हमारा बड़ा भाई है। तो दे और लाइक ए मध्यमा। और एक होता है न्यूट्रल, लाइक भूटान। भूटान, इनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है, ये अपने में ही मस्त है। ये क्या है दोस्तों, ये अपने में ही मस्त होते हैं, इनको कोई मतलब नहीं होता, समझ रहे। तो मंडला थ्योरी का मतलब है कि राजा जो है वो घिरा हुआ होता है किससे, कुछ दोस्तों से और कुछ दुश्मनों से। दो देश जो एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करते हैं वो नेचुरली एनिमी होते हैं, वो प्राकृतिक रूप से दुश्मन होते हैं, ठीक। राजा घिरा हुआ होता है किन चार तरीके के लोगों से, उनमें एक होता अरी यानी कि एक दुश्मन, दूसरा मित्र यानी कि फ्रेंड, एक मध्यमा, ये कोई मतलब नहीं, ये साले मौके की तलाश में रहते हैं, जहां देखा तवा परात वहीं गुजार दी सारी रात, ठीक है, जहां देखी तवा परात वहीं गुजार दी सारी रात, यानी कि ये अपना फायदा देखते हैं, जहां पे कुछ मिल गया वहीं पहुंच गए। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रल यानी कि उदासीन, जैसे आपका एग्जाम्पल भूटान। तो यहां तक आपको कोई क्लियर, कोई परेशानी हुई, कोई परेशानी? चलिए अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछना शुरू करूंगा और आप मुझे बताना शुरू करेंगे। मैं एक कंट्री, मान लीजिए एक राजा है, ये एक राजा है, ठीक है दोस्तों, ये इसका देश है, कंट्री है, ठीक है। इस कंट्री से ये एक राजा है, इससे एक देश जो है, मैं कलर चेंज करूं ताकि आपको अच्छा सा लगता रहे, ये एक देश अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो ये कौन होगा, अरी होगा, मित्र होगा, उदासीन होगा, मध्यमा होगा, ये देश क्या होगा? एक देश है जिसमें एक राजा है, इस देश का बॉर्डर इस देश से शेयर कर रहा है, तो ये अरी होगा, क्या होगा? शाबाश, अरी होगा, ये होगा अरी, राइट। चलिए पेन कलर चेंज करता हूं, अब लेता हूं ये वाला। अच्छा जी, इसके साथ एक देश ये बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो इस देश के लिए ये क्या होगा, ये एक नंबर कंट्री है, ये दो है, तीन नंबर कंट्री, और दो में क्या रिलेशन होंगे, ये अरी होगा, क्या होगा, इसके लिए अरी होगा, लेकिन कंट्री वन के लिए क्या होगा ये, तो यहां पे कौटिल्य कहते हैं, जो मंडला थ्योरिस में कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, यानी दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। जैसे
हमारा दुश्मन कौन है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान का दुश्मन कौन है? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान क्या हुआ? हमारा दोस्त हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्या हो गया? ये मित्र हो गया, ये हो गया मित्र, हुआ कि नहीं हुआ? इन दोनों का अगर मैं बात करूं, ये क्या हुआ आपस में? ये हो गए अरी, ये है दुश्मन। और अगर इनकी बात करूं तो ये क्या हो गए? ये क्या हो गए? ये हो गए आपस में दोस्त। हुए कि नहीं हुए बताओ? अरी मित्र, फिर उसके बाद क्या होगा? अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में बात करूं तो ये अरी हो गया, ये मित्र हो गया। अच्छा पेन कलर फिर चेंज करते हैं भाई, ताकि आपको और अच्छे दिखाई दे। ये फिर अरी हो गया, ये अरी हो गया, ठीक है। अगर इसका अरी हो गया, ये हमारा मित्र देश है, ये हमारा मित्र देश है, हमारे मित्र का दुश्मन हमारा क्या होगा? हमारे मित्र का दुश्मन हमारा क्या होगा? हम मित्र हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया? मित्र हो गया। तो देख रहे, एक सर्किल सा बन रहा है, एक सर्किल सा बन रहा। आप देखिए, हमारा पड़ोसी क्या हो गया? अरे ये कौन हो गया? हमारा मित्र। ये कौन हो गया? अरे तो अरे मित्र, अरे मित्र, अरे मित्र, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? ये जो सर्किल कहलाएंगे दोस्तों, यही कहलाएगा आपका मंडला थ्योरी। क्या कहलाएगा? मंडला थ्योरी। ऐसे ही फिगर बना के आनी है, ऐसी एग्जैक्टली ऐसी बनानी है। आएगा क्वेश्चन, लिख लो, ये आएगा सारा, पक्का आएगा मंडला थ्योरी पे। तो जो यही बनाना है, यही बनाना है किताब में, ये है आपको, ये बनाना है, बाकी से अलग ये बनाना है कि हम एक देश है उसका। अच्छा अब बताइए फटाफट, ये बताइए, जैसे हमारा क्या है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग, कौटिल्य ने कहा कि मंडला थ्योरी में, कि ऐसे तो देश जिनका बॉर्डर आपस में टच हो रहा हो, जिनका बॉर्डर आपस में टच हो रहा हो, वो नेचुरल एनिमी है। वो बात अलग है कि वो शो ना करें, लेकिन वो पक्का आपस में दुश्मन होंगे। दुश्मन का मतलब होता है कि आपके डेवलपमेंट से चिढ़ेंगे, आपके विकास को वो हजम नहीं कर पाएंगे। अब हमारा बॉर्डर नेपाल से लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हमारा बिल्कुल लग रहा है, आपको भाई ज्योग्राफी तो पता होगी ना, हमारा बॉर्डर नेपाल से लग रहा है। नेपाल तो हमारा मित्र देश है, बहुत से कहेंगे, लेकिन यार अभी कुछ दिन पहले क्या नौटंकी हुई थी? नेपाल ने किससे हाथ मिला लिया था? चाइना से। तो यानी कि यहां पे जो अर्थशास्त्र के अंदर मंडला थ्योरी की को दी है कौटिल्य ने, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि जो पड़ोसी मुल्क होगा जिससे आपका बॉर्डर लगा हुआ होगा, वो कभी भी आपका डेवलपमेंट नहीं चाहेगा। तो नेपाल के पेट में दर्द हो गया, वो जाके छोटी आंख वालों से मिल आया, तो वो यही है। तो ये जो कौटिल्य ने 200 BC से लेके 300 BC के बीच में जो किताब लिखी और उसके अंदर मंडला थ्योरी दी गई, दैट इज फिट फॉर द इंटरनेशनल रिलेशनशिप, वो बिल्कुल सही साबित होती है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। क्लियर है कि नहीं है? अब देखिए, हमारा दुश्मन कौन? हमारा दुश्मन चाइना। और चाइना का दुश्मन वियतनाम, तो वियतनाम हमारा क्या हुआ? वियतनाम हमारा क्या हुआ? मित्र हुआ। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ये सिंपल सा, यही मंडल थ्योरी आप किसी किताब में उठा के पढ़ना, परेशान हो जाओगे, इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। अब बताइए, ये तो आपने बता दिया, पाकिस्तान हमारा क्या है? दुश्मन मुल्क है। और पाकिस्तान की नहीं बननी किससे?
आजकल अमेरिका से 50-50 है, थोड़ा दोस्त भी है अमेरिका और थोड़ा दुश्मन भी है। इमरान खान ने रायता बखेर दिया, इमरान खान ने कह दिया कि मुझे प्रधानमंत्री पद से हटवाने में अमेरिका का हाथ है, तो पाकिस्तान का 50% मित्र भी हो गया और 50% एनिमी भी हो गया, यानी 50% अरी भी हो गया और 50% मित्र भी हो गया। तो अमेरिका के भारत से कैसे रिलेशन होंगे, फटाफट बताइए। अमेरिका भारत का मित्र होगा कि अरी होगा, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य मंडल थ्योरी। शाबाश, वेरी गुड, मध्यमा क्या होगा, मध्यमा, वेल डन, वेरी गुड, क्या होगा, मध्यमा। ये साले ताक में रहते हैं, ये प्रॉफिट में रहते हैं, फायदे में रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, आइए आप भूटान की बात। भूटान क्या चाइना का दोस्त है? नो। क्या दुश्मन है? नो। ये उदासीन है, न्यूट्रल है, ये क्या है, उदासीन है। तो मुझे लगता है आपको अरी भी क्लियर हो गया है, मित्र भी क्लियर हो गया है, मध्यमा भी क्लियर है और उदासीन यानी न्यूट्रल भी क्लियर है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहां पे फॉरेन रिलेशनशिप को या इंटरनेशनल रिलेशनशिप को, भैया ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप आपके पेपर में, जनरल स्टडीज में है, तो ये मंडला थ्योरी को आप कोट कर सकते हो, बहुत अच्छे नंबर देगा। देखिए मंडला थ्योरी की अगर हम बात करें तो मंडला थ्योरी के अंदर ही बात करी है कौटिल्य ने, कुछ सिद्धांत दिए हैं कि अगर आपको मजबूत स्ट्रॉन्ग फॉरेन रिलेशनशिप बनानी है, यानी विदेशी संबंध मजबूत बनाने हैं, पारदर्शी बनाने हैं, तो आपको कुछ सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ेगा। क्या सिद्धांत है वो, चार प्रिंसिपल्स दिए इन्होंने, का साम दना दंड और भेद, साम दाम दंड भेद, यानी कि साम दाम दना बोल देते हैं, दाम मतलब दना बोल दो, दान दे दो या दाम बोल दो, दना भी बोल सकते हैं और यहाँ पे दमा भी बोल सकते हैं, दामा मतलब दाम पैसे, ठीक है। दाम किसने चलाई थी, दाम की करेंसी, दाम का सिक्के किसने चलवाए थे, फटाफट बताओ, दाम सिक्के किसने चलवाए थे, दाम का सिक्का किसने चलवाया था, दाम का सिक्का, दाम कहते हैं ना, आज भी दुकान पे जाते हैं, भाई इस शर्ट का क्या दाम है, इस मोबाइल का क्या दाम है, किसने चलवाया था सिक्का, दाम बताइए, इतने लोग वीडियो देख रहे हैं, किसी को नहीं मालूम, सबको गाड़ी में बैठना है, इनोवा में। दाम चलवाया था शेरशाह सूरी ने, किसे चलवाया था, शेरशाह सूरी, याद रखिए। और चमड़े का सिक्का पहली बार भारत में हुमायूं के समय में चला था, ये आपको दिमाग में रखना है, जो स्टेट पीसीएस वाले बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए तो ये परफेक्ट क्वेश्चन है, ठीक। तो कहते हैं कि चार प्रिंसिपल दिए अगर आपको अच्छे रिलेशन बनाने हैं पड़ोसी मुल्कों के साथ, पहला है साम, दूसरा है दाम या दना, तीसरा दंड और फोर्थ भेद। साम मतलब अगर किसी देश के साथ आपके फॉरेन रिलेशन यानी कि विदेशी संबंध अच्छे नहीं है तो उसको समझाइए, साम संधि कीजिए, समझाइए संधि कीजिए, संधि क्या होता है अभी बात करेंगे, ठीक है, बताएंगे आपको। तो क्या होगा, उसके उसको समझाइए, ठीक, अगर नहीं मानता तो उसको दान दीजिए या दाम दीजिए, यानी गिफ्ट दीजिए, यानी प्रेजेंट दीजिए कुछ, ठीक है। तीसरा, नहीं मान रहा तो भैया जूता रख दो सिर पे, ठोकर से उड़ा दो, यानी दंड दो, पनिशमेंट दो। और नहीं मानता, अगर लातों के बहुत होते हैं कुछ बातों से नहीं, मतलब लात से नहीं मानते कुछ, कोई ऊपर हाई लेवल के होते हैं जो पिटाई से भी नहीं मानते, तो फिर उनको तोड़ दो, उनको क्या कर दो, तोड़ दो। अब देखते हैं, चलिए आपको समझाते हैं इस एग्जांपल से। 2014 में कौन आए, मोदी जी आए,
ठीक। देखिए उससे पहले कौन था, उससे पहले थे कांग्रेस की सरकार। शाम पे बात समझाया करते थे, भाई टेररिस्ट ना भेजो, आप टेररिस्ट मत भेजिए, गलत है, हम एक एक सोवरन नेशंस हैं, ठीक है, हम बैठ के बात कर लेंगे कश्मीर पे, ऐसे चला करते था, यानी कि समझाया जाता था। फिर कई बार गिफ्ट भी देने की कोशिश करी गई पाकिस्तान को कि आप ऐसे कीजिए, हम ट्रेन चला लेंगे आपस में, हम व्यापार कर लेंगे, अच्छा उससे आपके यहाँ भी प्रॉफिट होगा, हमारे यहाँ भी प्रॉफिट होगा। बहुत सारे जो संधियों पे, ट्रीटीज पे साइन किए गए, ठीक है, लीगल एग्रीमेंट्स पे साइन किए गए ताकि दोनों देशों का व्यापार बढ़ सके, वो तब भी नहीं माने। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब आगे मोदी जी, मोदी जी ने भैया एयर स्ट्राइक कर दी, एयर स्ट्राइक कर दी, ठीक है। वो जब नहीं माने तो उनको फाइनेंशियली ब्रेक करना शुरू कर दिया, ब्रेक करना शुरू कर दिया। कैसे किया कि उनको दुनिया में अलग थलग करने की कोशिश कर दी गई। अलग थलग कैसे, दुनिया में जहां भी जाए वहीं प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमारा पड़ोसी देश है जो आतंकवाद को जन्म देता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, इसको फंडिंग देना बंद कीजिए, इसको फंडिंग देना बंद कीजिए, इसको फंडिंग देना बंद कीजिए। दुनिया पे मोदी जी का प्रभाव पड़ा, दुनिया जानी, और फिर फाइनली धीरे धीरे इनकी फंडिंग बंद हो गई। अब ये बेचारे कुछ तो कुछ करते नहीं है, पाकिस्तान वाले आते ही नहीं है बेचारों पर, कुछ करेंगे क्या, ठीक है। जो विदेशी फंडिंग आया करती थी, जो अमेरिका वगैरह से आया करती थी, यूरोपियन कंट्री से आया करती थी, वो धीरे धीरे बंद हो गई। फाइनली ये क्या हुआ, इसको बंद कराने में, इनको अलग थलग करने में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल रहा, फाइनली ये अलग हो गए। तो चार प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, साम दंड, साम दाम दंड भेद, ठीक है, साम दाम दंड भेद, क्लियर है, साम दान दाम दंड भेद। तो ये आपको चार प्रिंसिपल दिमाग में रखने हैं। आगे बात करते हैं, अब ये कुछ सिक्स मेथड है, ठीक है, सिक्स मेथड ऑफ फॉरेन पॉलिसी, कुछ छह तरीके हैं कि किस तरीके से आप अपनी फॉरेन पॉलिसीज को बढ़ा सकते हैं। छह मेथड बताए, कौन कौन से, पहला बताया संधि, मैं एक बार पूरा पढ़ देता हूं, ठीक है, फिर आपको अपनी भाषा में इसको समझा दूंगा। यहां लिखा है द पीस ट्रीटीज, संधि, संधि शब्द आपने सुना, संधि मतलब ट्रीटी, ठीक है, तो ये वर्ड बिल्कुल उसमें लिखे गए ना, दिख रहे हैं आप हिंदी में, द पीस ट्रीटीज शुड बी मेड विद स्पेसिफिक कंडीशन टू प्रमोट वॉलफेयर एंड डेवलपमेंट, दे शुड ऑल्सो स्ट्रेंथन अलायंस और यूज द पीरियड एज वन आर्म ऑफ ड्यूल पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू चाणक्य, वन कैन एंटर इन टू ट्रीटी विद वंस एनिमी एंड इट कुड बी ब्रेकन वेन ग्रो स्ट्रॉन्ग, द इंटरेस्ट ऑफ वन स्टेट शुड ऑलवेज बी हेल्ड सुप्रीम। यहां पे चाणक्य कहते हैं कि भैया एक बात याद रख लो, नेशनल इंटरेस्ट के सामने, नेशनल इंटरेस्ट यानी कि जो राष्ट्र के इंटरेस्ट हैं, जो राष्ट्र के फायदे हैं, उसके सामने कोई सिद्धांत विद्धांत नहीं होते, देयर इज नो इथिक्स, कोई सिद्धांत, हमारा फायदा दिखना है उसका एग्जाम्पल। मैं इसलिए कह रहा हूं इंपोर्टेंट कि बहुत बड़ा बखेड़ा चल रहा है इस टाइम भारत में फॉरेन पॉलिसी में, पक्का क्वेश्चन बनेगा जो इस बार मेंस देंगे। जयशंकर प्रसाद जी ने, जो जयशंकर प्रसाद है ना, जो फॉरेन मिनिस्टर, क्या नाम इनका, उन्होंने खड़े होकर पार्लियामेंट के अंदर अमेरिका को साफ बोला है कि हमारे देश के लिए जो सही होगा वो हम करेंगे। हमारे देश के लिए सही है कि रशिया से सस्ते दाम पे क्रूड ऑयल खरीदें, और हमने खरीदा भी, लेकिन मेरे एक समझ में नहीं आ रहा, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, जो हमने साला रशिया से सस्ते दामों पर तेल खरीद लिया, तो तेल आया नहीं क्या, या रास्ते में उड़ गया, पता नहीं तेल सस्ता नहीं हो रहा, रोज 80 पैसे बढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, ठीक है। तो नेशनल इंटरेस्ट इज फर्स्ट, देयर इज नो इथिक्स, कोई सिद्धांत नहीं होते, देश ही सर्वोपरि है। इसके आगे ये क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि संधि करो, द पीस ट्रीटी शुड बी मेड विद स्पेसिफिक कंडीशन टू प्रमोट वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। मान लीजिए चाइना है और भारत है, तो आपस में संधि कर लो, क्या कर लो, ट्रीटी कर लो, क्यों कर लो, ताकि डेवलपमेंट हो सके, लोगों का कल्याण हो सके, और संधि होने के बाद धीरे धीरे अपने को स्ट्रॉन्ग करो, अपने को मजबूत करो,
और जब आप मजबूत हो जाओ तो संधि लात मार के तोड़ दो, संधि लात मार के तोड़ दो। ये बोला है किसने? ये होता है मीनिंग ऑफ संधि अकॉर्डिंग टू चाणक्य, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। तो कौटिल्य क्या कहते हैं कि भैया संधि कर लो, एक राजा को संधि कर लेनी चाहिए ताकि उसका विकास हो सके और लोगों का कल्याण हो सके। अब मान लीजिए चाइना है, भारत है, पता है भारत को कि हमला कर, चाइना का हमला कर सकता है भारत पे, ये चाइना को पता कि भारत हमला कर सकता है, तो दोनों को ट्रीटी कर लेनी चाहिए, संधि कर लेनी चाहिए। और इस बीच में जब वो संधि, इस बीच में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे, भारत को अपने आप को मजबूत करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। और जैसे ही मजबूत हो जाए कहते भाड़ में गई संधि पंधी, मैं तो ठोकूंगा तुझे, मैं ठोकूंगा, फेंकूंगा तेरे पे मिसाइल, बम फेंकूंगा, नहीं तो भग जाओ यहाँ से, अक्साई चाइना छोड़ दो, अक्साई चीन छोड़ के भग जाओ। ठीक, तो ये होती है ट्रीटी, यानी नेशन फर्स्ट। जब आपके रास्ते पे बात आती है तो देर इज नो रूल, नो रेगुलेशन, नो इथिक्स, नो प्रिंसिपल। ठीक है, आगे बात करते हैं। विग्राह, विग्राह का मतलब क्या होता है? कभी सुना है आपने शब्द विग्राह? नहीं सुना? देखिए ये क्या कह रहा है, द पॉलिसी ऑफ हॉस्टिलिटी इज रिकमेंडेड टू बी फॉलोड बाय द स्ट्रॉन्गर स्टेट, द हॉस्टिलिटीज कैन बी कंडक्टेड एज ओपन, सीक्रेट, अनडिक्लेयर्ड और क्लैंडेस्टाइन अटैक, डिप्लोमेटिक वॉर टू आर जस्टिफाई ऑन ऑल लेवल्स। क्या कह रहे हैं सुनिए जरा, ये पूरा भाषण रामायण किताब में लिखी है, मैं आपको इसमें सिंपल भाषा बताता हूँ विग्राह का मतलब क्या होता है। ये कहता है कि एक मजबूत राष्ट्रीय को, एक शक्तिशाली मुल्क को अपने आसपास के देशों को दबा के रखना चाहिए, अपने आसपास के देशों को दबा के रखना चाहिए। तो मुझे ये बताइए, इस पे काम इंडिया कर रहा है कि चाइना कर रहा है? विग्राह, चाइना, बिल्कुल सही, चाइना काम कर रहा है। देख रहे ना, चाइना क्या कर रहा है, वियतनाम को भी दबा रहा है, कह रहा पूरा का पूरा साउथ चाइना सी मेरा है। अगर आपको साउथ चाइना सी पता नहीं है तो फिर यूट्यूब पे जाइए, वहाँ फ्री वीडियोस है, मैप की 43 वीडियो, 43 वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद करंट अफेयर्स पढ़िए, बड़े आराम से समझ में आएगा। नहीं तो करंट अफेयर्स बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम करंट अफेयर्स में ये साउथ चाइना सी कहाँ है हम रट्टा मारते हैं, कि बाल्टिक नेशन का कोलोब्रेशन हुआ है इंडिया के साथ, बाल्टिक नेशन ही नहीं पता है, बेनिक्स कंट्री कौन सी है। तो एक बार सारे के सारे करंट अफेयर्स हमेशा पढ़ने के लिए, जिन स्टूडेंट्स को करंट अफेयर्स में समझ में नहीं आता उनके लिए सिंपल सा ये तरीका है कि उनको वर्ल्ड का मैप नहीं आता है। ठीक है, वो धूल में लट बजा रहे हैं, चीज़ों को रट रहे हैं, कभी भी करंट अफेयर्स रटा नहीं जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो बड़ा मजबूत देश है, जो पावरफुल कंट्री है, उसे छोटे देशों को हमेशा दबा के रखना चाहिए, जैसे चाइना कर रहा है कि पूरा साउथ चाइना सी मेरा है। कभी भारत की पे दबाने की कोशिश करता है, वो बात अलग है कि भारत की जो आर्मी है वो कान के नीचे बजा देती है, पौवे पौवे से वैसे ही है, छोटी छोटी आंख वाले, जैसे रेत में थूक दिया हो। ठीक है, तो भारत वाले कभी भी इन्हें सूद देते हैं। तो विग्रह कोशिश तो कर रहा है लेकिन भारत पे ही लागू नहीं हो रही, बाकी कंट्रीज पे ही कोशिश कर रहा है। उसके बाद है आसना, इसका मतलब क्या, हिंदी में आसन बोलते हैं, इंग्लिश में आसना बोला जाता है, इसका मतलब क्या? देखिए इसमें कह रहे हैं, अगर दो राजा हैं, अगर दो राजा मजबूत हैं, मैं पहले पढ़ देता हूँ, पॉलिसी ऑफ रिमेनिंग न्यूट्रल इज हाईली रिकमेंडेड व्हेन बोथ स्टेट्स आर इक्वल। अगर दो देश लगभग समान मजबूताई वाले हैं, जैसे भारत और चाइना, तो भैया दोनों को न्यूट्रल लेना चाहिए, चुप लगा लेना चाहिए। क्यों? देखिए मैं बताऊँ, अब मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, आप भी पावर गाड़ी से उतरे, मैं आज इसे पील कर दूँ, मसाले ने एक्सीडेंट कर दिया गाड़ी का, ठोक दिए पीछे से, आप उतरे, लट बरंगे मांस बरंगे लेके चले, पता लगा सामने वाला भी मांस बरंगे ले आया, तो उसमें फायदा ये कि आप दोनों चुप हो जाओ। क्यों? क्योंकि एक लट आप रखोगे उसके में, हो सकता है वो दो धर दे। तो यहाँ पे कौटिल्य कहते हैं कि चुप लगाने में फायदा है, न्यूट्रल हो जाओ, जब साफ दिख रहे हैं कि दोनों ताकतवर हैं, क्योंकि अगर जोन सा इलझेगा दूसरा भी छेतेगा वो तो पिटेगा ही, चाहे वो बात अलग है कि तुम एक घूसा उसके रख दो तो वो रिवर्ट में दो जरूर धरेगा आपके। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है याना, याना का मतलब क्या है? देखिए याना पढ़ लीजिए कहता है वेरी केयरफुल कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन मतलब सोच समझ के, इज टू बी मेड बिफोर टेकिंग द इम्पोर्टेंट डिसीजन ऑफ वॉर।
जब भी वॉर से संबंधित कोई डिसीजन लिया जाए, युद्ध से संबंधित कोई भी डिसीजन लिया जाए, तो राजा को बड़े सोच समझ के ये कदम उठाने चाहिए। सिंस द प्रिपरेशन फॉर वॉर एंड द लॉन्ग मार्च एंटेल्ड हैवी एक्सपेंडिचर एंड प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस फ्रॉम द कैपिटल। क्या कह रहा है? बहुत शानदार, ये जाना, ये सीधे सीधा जो आपका एसे लिखोगे ना, आप एसे में आया था, याना पे लिखिए, आसन पे लिखिए, विग्राह पे लिखिए, संधि पे लिखिए। तो अब आप कैसे इतना बड़ा लिखोगे एसे? घुमाओ मंडल थ्योरी, लिखो मंडल थ्योरी के बारे में, बताओ मंडल थ्योरी एग्जामिनर को, एग्जामिनर कहेगा वास्तव में। अब अगर आपसे संधि के बारे में कोई लिखने को कह दे तो आप संधि पे दो लाइन लिखेंगे, लेकिन जब आपके पास मंडल थ्योरी का मटेरियल है तो आप लिखना शुरू कर देंगे, और जब लिखेंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, कहेगा वाह भाई वाह, उस्ताद आ गया, ये तो कोई अच्छा लिख रहा है। कुछ नहीं है, कोई शॉर्ट टेक्निक्स नहीं है, कोई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती, बस आपके पास मटेरियल होना चाहिए, आपके पास लिखना आना चाहिए। लिखिए लिखिए, उसको एग्जामिनर को बताइए, हाँ मुझे पता है, मैं पढ़ के आया हूँ, मुझे मालूम है जो तू पूछ रहा है, और मैं चीज़ों को इंटरलिंक कर देता हूँ, बिकॉज आई एम ए हाइब्रिड पर्सन, मुझे सब कुछ पता है लेकिन थोड़ा थोड़ा पता है, मैं किसी चीज़ का ज्ञाता नहीं हूँ। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस वाले, आपको ज्ञाता लोगों की जरूरत नहीं है उन्हें, अगर उनको ज्ञाता लोगों की जरूरत होती तो पीएचडी वालों को बुला लेते, पीएचडी होल्डर को बुला लेते, उन्हें ऐसा बंदा चाहिए जिसको थोड़ा 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 सा सब कुछ पता हो, यानी जर्नलिस्ट पर्सन चाहिए, जर्नलिस्ट पर्सन चाहिए उनको, ठीक है। तो जब भी ये कहते हैं, याना का मतलब है कि जब भी कोई राजा युद्ध में जाए तो युद्ध में जाने से पहले जो युद्ध में जाने का डिसीजन है बड़े केयरफुल तरीके से उसे लेना चाहिए, क्योंकि जब वो युद्ध में जाएगा तो बहुत खर्चा होगा। सेना जो चलेगी, जो प्लाटू चलेगी, उसका रोज का राशन है, पानी है, बहुत खर्चे होंगे, वो खर्चा आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा जो सबसे खतरनाक पॉइंट एक हो रहा है, आप अपनी सेना को लेकर युद्ध में चले गए, पता लगा ये आप हैं कोई राजा हैं, ये इनका देश है, ये वाला बराबर वाले मुल्क से जो अरी है, इससे इनकी फाइट हो गई, आपस में चल रहा टकराव, ये यहाँ पहुँच गए, ये बराबर वाला क्या है, ये मित्र है कि अरी है, ये हु इज, ये देश कौन सा है, मित्र है कि अरी है, अरी है, पता लगा आप यहाँ युद्ध में है, ये यहाँ आके कब्जा कर ले बैठ जाए। तो युद्ध का डिसीजन लेते हुए बहुत सोच समझ के, राजा को बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, ये बोलते हैं याना का मतलब। अब समसराया, समसराया का मतलब क्या, देखिए जरा, द पॉलिसी ऑफ सीकिंग प्रोटेक्शन ऑफ ए स्ट्रॉन्गर किंग ऑथॉरिटी कैन बी प्रैक्टिस्ड बाय एंटरिंग इनटू अलायंस और बाय साइनिंग ए ट्रीटी। साधारण भाषा में बता दूं, समसराय का मतलब क्या, भैया अगर आप कमजोर हैं तो किसी बड़े राजा के साथ या किसी बड़े देश के साथ जाकर ट्रीटी कर लो। जैसे सुन लो, 1962 में चाइना ने हम पे हमला कर दिया कि नहीं कर दिया, और इसमें सच्चाई में, इसमें मानने में कोई बुरी बात नहीं, चाइना ने हमको हराया, ठीक है, क्योंकि हमारी वो सिचुएशन थी नहीं, चाइना ने हमें हरा दिया 1962 में। अब उसके बाद ये बात भारत को समझ में आ गई कि भैया जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा वो बिल्कुल सही है। कौटिल्य ने कहा समसराया, ये समझ रहे हैं आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है पब्लिक एडमिशन। अब जो प्रधानमंत्री गद्दी पे बैठा होगा वो तो समझ रहे हैं आप, आधे से ज्यादा तो समझ गए, मेरा इशारा काफी है, तो आप बैकअप तो आप देंगे ना, व्हेन यू बिकम एन आईएएस फॉरेन पॉलिसी सर्विसेज में जाएंगे तो आप सपोर्ट करेंगे, और आपको ही पढ़ाया जा रहा है, तो आपके अच्छा राहुल सर ने पढ़ाया था यार मंडला थ्योरी, मंडला थ्योरी में एक समसराया बताया था, उसके अकॉर्डिंग ये बताया था कि हमें हमारी चाइना ने हम पे हमला करके थूक छेद दी, तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी मजबूत देश से ट्रीटी कर लेनी चाहिए। तो भारत ने क्या करा, तुरंत ही रशिया के साथ क्या करा, ट्रीटी कर ली, और 1971 में फिर वही हुआ, क्या हुआ, पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो गया। तो पाकिस्तान के सपोर्ट में कौन आ गया, अमेरिका, अमेरिका अपना भैया बेड़े लेके चल दिया वहां से भारत को कूटने के लिए, लेकिन भारत ने किससे अपनी ट्रीटी की हुई थी, रशिया से, इतने वो वहां से चलते इतने रशिया की जो पनडुब्बियां थी, सबमरीन थी, वो हिंद महासागर में आ गई थी। तो समझ रहे हैं, ये कौटिल्य के पॉइंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
द्विविद बाहु, क्या है द्विविद बाहु, इसका मतलब क्या है देखिए, दो तरीके हैं, द्विविद बाहु का मतलब है दो तरीके, मैं इसको रफ कर देता हूं फिर उधर समझाता हूं आपको। द्विविद बाहु पॉइंट नंबर 6 का कह रहा है, देखिए एक राजा ये एक्स है और एक राजा ये वाई, और ये एक राजा है जिसका नाम है राहुल शर्मा। मैं इसको कूटना चाहता हूं, एक्स को, मैं एक्स को कूटना चाहता हूं, और ये साले पट्टे आपस में क्या है, इनके अच्छे रिलेशन है, तो मैं अगर इसे कूटूंगा तो ये कंफर्म है कि ये आके मेरी छिताई कर दे। तो क्या कहते हैं कौटिल्य, कौटिल्य कहते हैं कि दो ऐसे राजा जिनके आपस में अच्छे संबंध, अगर मैं राजा कह रहा हूं तो दो देश भी समझ लीजिए, वहां पे दो अच्छे देश जिनके आपस में अच्छे संबंध है और आप उनमें से एक की थूथ बिखारना चाहते हैं, थूथड़ी समझते हैं ना, थूथड़ा मुंह लाइक अर्थ, अर्थ कैसी है आपके थूथड़े की तरह तो है। तो अगर आप किसी एक राजा किसी दूसरे राजा को पीटना चाह रहा है और दो राजा के आपस में अच्छे रिलेशन है तो क्या करो, एक को पीटने से पहले क्या करो, जो दूसरा है ना उसके साथ ट्रीटी कर लो, उसको खिलाओ पिलाओ, उससे संबंध अच्छे करो, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी हार नहीं होगी। तो ये 6 पॉइंट बोले हैं, 6 मेथड ऑफ फॉरेन पॉलिसी। दुनिया में आज तक कोई भी ऐसी फॉरेन पॉलिसी नहीं बनी, दो देशों के ऐसे संबंध नहीं बने जो इसको बाईपास कर सके, एक को भी बाईपास नहीं कर सकता, कोई से ना कोई से जाके तो फिट बैठता है, कोई से ना कोई से, ठीक है। तो कौटिल्य ने का कहने का मतलब क्या था, कौटिल्य का कहने का मतलब है कि नेचर फर्स्ट, क्या है दोस्तों, नेचर फर्स्ट, नेचर से बड़ा, सॉरी नेचर कह रहा हूं, नेशन फर्स्ट, नेशन से बड़ा कुछ नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, सबसे पहले क्या है हमारा नेशन है, और इसका जीता जाता है एग्जांपल आपको अभी रशिया यूक्रेन के वॉर में जो भारत की पोजीशंस है वो दिखाई दी। क्लियर दोस्तों, चलिए अब मैं बात कर लेता हूं आपका चेक एंड बैलेंस वाला, जो लास्ट क्लास में हमने बात की थी चेक एंड बैलेंस। देखिए चेक करना और चीजों को बराबर कर देना, इसका मतलब यही है। देखिए भारत के अंदर क्या है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। लेजिस्लेचर क्या करती है, कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव उन कानूनों को लागू करते हैं। अब अगर कानून गलत तरीके से बनाया जाए और जो कानून लागू किए जा रहे हैं वो भी गलत तरीके से किए जाए तो इनको कौन रोकेगा, ये कौन चेक करेगा कि कानून गलत तरीके से लागू किए जा रहे हैं, कौन चेक करेगा कि जो कानून बनाए गए हैं गलत तरीके से बनाए गए। तो भारत में एक परफेक्ट डेमोक्रेटिक नेशंस में क्या होता है, एक जुडिशरी को ये पावर दी जाती है कि वो चेक करे कि लेजिस्लेचर जो कानून बना रहा है कि वो सही बना रहा है कि नहीं बना रहा है, अगर एग्जीक्यूटिव जो लागू कर रहा है कानूनों को प्रॉपर तरीके से लागू कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो चेक करेगा और चेक में अगर सही नहीं पाता तो बैलेंस कर देगा, यानी कि जैसे अगर कोई कानून बना तो उसको क्या कर देगा, नल एंड वॉइड कर देगा, और एग्जीक्यूटिव कोई ऑर्डर पास करता है तो उस पर रिट्स इशू कर देता है। अब रिट्स क्या होते हैं, प्लीज रीड इंडियन पॉलिटी, समझ में आ गया, इज इट क्लियर। इज इट क्लियर और नॉट, चलिए फिर आज के लिए इतने रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़े रहने के लिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, ठीक है, बाय, थैंक यू तो कर दूं, बोर्ड पे दिखावा लिख के लेकर आता हूँ, थैंक्स।